डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षक संस्थान छत्तीसगढ़ द्वारा जिले में प्रथम बार नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले जिले के 30 छात्रों के लिए 45 दिवसीय निःशुल्क क्रैश कोर्स कोचिंग दिया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गाइडलाइन के अनुसार प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय मुंगेली में नीट प्री मॉक टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व स्वास्थ्य विभाग द्वारा परीक्षार्थियों को सैनिटाइज मास्क वितरण तथा कोविड-19 एंटीजन टेस्ट किए गए। सभी का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव रहा। पुलिस विभाग द्वारा सभी परीक्षार्थियों का मेटल डिटेक्टर से गहन जांच किया गया। उसके बाद ही छात्रों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। निर्धारित समय अनुसार 2 परीक्षार्थियों एवं 2 पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में प्रश्न पत्र एवं OMR शीट के पैकेट को केंद्राध्यक्ष द्वारा खोला गया। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को ग्लव्स, पानी की बोतल, बॉल पॉइंट पेन, प्रश्न पत्र एवं OMR शीट दी गई। परीक्षा के दौरान उड़न दस्ता के रूप में विकासखंड इसरो समन्वय DC डाहिरे एवं रामेश्वर साहू, संकुल समन्वय दाबो, यतेंद्र भास्कर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी पथरिया एवं वीर सिंह सिकंदर ने परीक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। परीक्षा उपरांत परीक्षार्थियों से OMR शीट की मूल प्रति एकत्रित की गई। अंत में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र एवं OMR शीट की कार्बन कॉपी घर ले जाने की अनुमति दे दी गई। परीक्षा समाप्त की गई। मॉक टेस्ट के प्रति परीक्षार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। मॉक टेस्ट के आयोजन में पर्यवेक्षण का कार्य जितेंद्र कुमार, सतवंतीर कुरे, कामिनी शशिकला, छत्रपाल डाहिरे ने किया। इस मॉक टेस्ट में 30 बच्चे इनरोल थे, SC के 19, ST के 1 और OBC के 10। इस तरह से 10 बालक और 20 बालिका, कुल मिलाकर के 30 बच्चे दर्ज थे। उनमें से आज 25 बच्चों ने भाग लिया। किसी अपरिहार्य कारणवश 5 बच्चों ने उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाया। और इसमें से जो नीट की परीक्षा में 3 बच्चे शहरी और 27 बच्चे ग्रामीण थे। ग्रामीण परिवेश से कहाँ कहाँ से थे? लोरमी विकासखंड से 5 बच्चे थे जो पूरी तरह से ग्रामीण हैं। इसी तरह पथरिया विकासखंड से भी 5 बच्चे थे और बाकी मुंगेली विकासखंड के थे। और शहरी क्षेत्रों से एक भी बच्चे अभी भाग नहीं ले पाए हैं, सभी ग्रामीण बच्चे ही हैं। इस आयोजन की तैयारी किस प्रकार की गई थी? इस आयोजन की तैयारी हम प्रति वर्ष करियर गाइडेंस कार्यशाला में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। और हमको लगा कि हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं, मिशन 30। हमको 2030 तक छत्तीसगढ़ के मैदानी 19 जिलों में बहुत सारे बिंदुओं पर हमको काम करना है। उनमें से एक बिंदु ये था कि जिले में कोचिंग की व्यवस्था की जाए उन बच्चों के लिए। तो हमने पहले ही प्रयास किया कि आज हम जिस जिले में हैं उस जिले में, मुंगेली जिले में है, तो मुंगेली जिले में पहले कोचिंग की शुरुआत करें, उसके बाद फिर दूसरे जिले में हम शुरुआत कर पाएंगे तो सफल हो पाएंगे। ऐसा करके हमने मुंगेली जिले में बहुत पहले से तैयारी किया और पहला बैच 12 मार्च से 24 अप्रैल को दिए। उसमें कोरोना का गया लॉकडाउन होने के कारण 10 दिन हमको ऑनलाइन क्लास देने पड़े, मॉक टेस्ट का टाइम था और नहीं ले पाए। अब दूसरे बैच 16 जून से चल रहा है और उसमें अब 26 अगस्त को क्लास एंड हुआ। कल 27 को हमने छुट्टी दिया था तैयारी के लिए और आज 28 को मॉक टेस्ट का आयोजन किया। धन्यवाद।